नॉर्मली स्टूडेंट मैं सेल्फ निहारिका हुई सब्जेक्ट हिंदी बसंत पार्ट ए वह चिड़िया जो। आज हम पार्ट ए बसंत वह चिड़िया जो का अध्ययन करेंगे जिसके कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। इन्होंने एक बहुत ही सुंदर कविता का वर्णन किया है जिसमें एक छोटी सी नन्ही सी नीले पंखों वाली चिड़िया है जिसको अन्य नदी भीजन से बहुत प्यार है। वह अथाह सागर से अपनी छोटी सी चोंच से जल रूपी मोती लेकर आती है जिसके कारण अपने साहस पर वह बहुत ही गर्व करती है। इस चिड़िया की कल्पना करते हुए मनुष्य के कुछ गुणों के बारे में यहाँ पर कवि ने बताने की कोशिश की है। इस कविता में हम सबसे पहले शब्दार्थ का अध्ययन करेंगे। शब्दार्थ में हम सबसे पहले पहला पढ़ेंगे संतोषी शांत मन हातिर के लिए विजन एकांकी गर्वीली गर्व करने वाली चोंच मारकर चोंच से भरकर झुंडी जौ की बालियां चढ़ी जल से भरी जल का मोती पानी की बूंदे रस उड़ेकर मीठी आवाज बूढ़े वन बाबा पुराना घना वन कंठ बला दिन टटोल कर बीच से रुचि मन से। इस शब्दार्थ को पढ़ने पर हम इस कविता को आसानी से समझ सकते हैं। समझकर हम प्रस्तुत प्रश्नों का भी उत्तर ले सकते हैं। तो इसमें तीन पद दिए गए हैं। सबसे पहला पद है वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ मुझे अन्य से बहुत प्यार है। जब हम कविता का वर्णन करते हैं तो सबसे पहले प्रसंग व्याख्या और संदर्भ जाते हैं। सबसे पहले प्रसंग का वर्णन करते हैं जिसमें हम पहले लिखते हैं यह पाठ बसंत के पाठ वह चिड़िया जो से दिया गया है। इसके कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। उसके बाद प्रसंग में आते हैं। इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे कवि यहाँ पर कहते हैं कि चिड़िया बहुत ही शांत मन वाली है और बहुत ही छोटी है इसीलिए इसको अन्य से बहुत प्यार है। अब व्याख्या में आते हैं जिसमें कवि कहते हैं कि यह छोटी सी चिड़िया रस से भरे हुए जौ के दाने को अपने चोंच में भर लेती है और बड़े चाव से खाती है। उसका मन शांत है इसीलिए उसको अन्य से बहुत प्यार है। दूसरे पद में आते हैं। इसमें भी हम प्रसंग में लिखेंगे इस कविता को बसंत के पाठे वह चिड़िया जो से दिया गया है। इसके कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। प्रसंग में हम लिखेंगे इस कविता में कवि बताना चाहते हैं कि इस छोटी सी चिड़िया का गला बहुत छोटा है और बहुत ही सुरीले स्वर से गाती है और इसको एकांत जगह से बहुत प्यार है। उसके बाद हम व्याख्या करेंगे वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े बाबा वन बाबा की खातिर रस लेकर गा लेती वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ मुझे विजन से बहुत प्यार है। व्याख्या में हम कहेंगे कवि बताना चाहते हैं चिड़िया अपने आजाद कंठ से बहुत ही सुंदर स्वर से वन बाबा के लिए गीत गाती है और उसको एकांत जगह बहुत प्यार है इसीलिए वह स्वच्छंद रूप से वहां पर रहना चाहती है और एकांत जगह से उसको बहुत ही स्नेह है। अब हम आते हैं तीसरे पद में। हम पहले और दूसरे पद में जिस प्रकार से संदर्भ प्रसंग का वर्णन करते हुए प्रस्तुत व्याख्या किए हैं उसी प्रकार हम तीसरे में भी प्रसंग को लिखेंगे। प्रस्तुत कविता को बसंत पाठ एक वह चिड़िया से दिया गया है जिसके कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। और प्रसंग में हम लिखेंगे कि कवि कहना चाहते हैं कि यह छोटी सी चिड़िया बहुत ही शांति है जो अपने इस साहसपन को बहुत ही गर्व महसूस करती है। अब व्याख्या में वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ मुझे नदी से बहुत प्यार है। यहाँ पर केदारनाथ अग्रवाल जी कहना चाहते हैं कि यह छोटी सी नन्ही सी चिड़िया अथाह सागर जो बड़ी बड़ी लहरें लेकर आती है
उससे अपनी छोटी छोटी चोंच से वह चिड़िया पानी की कुछ बूंदे लेकर आती है, जिससे उसको बहुत गर्व है कि वह इतना साहस भरा कार्य करती है। इसीलिए उसको अपने इस नदी से बहुत ही प्यार है। तो यहाँ पर केदारनाथ अग्रवाल जी ने इस नदी चिड़िया के बारे में बताया कि इसको अरुणा नदी विजन से बहुत ही प्यार है। तो हमने आज पाठ एक वह चिड़िया का कविता का अध्ययन किया। इसके बाद आता है प्रश्न अभ्यास। प्रश्न अभ्यास में चार प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। चार प्रश्नों के अध्ययन में पहला प्रश्न है, यह कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है, इस चित्र को कागज पर बनाओ। तो बच्चों, आप अपनी हिंदी कॉपी में पाठ के जो प्रश्न है, पहले प्रश्न में जो आपके मन में इस कविता को पढ़ने के बाद आपके मन में जो चित्र उभरता है, उसको आप अपनी कॉपी में अंकित कीजिए और चित्र एक सुंदर सा चित्र बनाइए। दूसरे नंबर के प्रश्न है, तुम्हारे कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोच कर लिखो। जिस प्रकार केदारनाथ अग्रवाल जी ने इस कविता के का पाठ का नाम दिया है वह चिड़िया जो, तो आप इस कविता के पढ़ने के बाद आपको कौन से मन में आपके कौन सी कल्पना निकलती है, कौन से मन कल्पना से आप इस पाठ क्या नाम देना चाहते हैं, उसको आप कॉपी में लिखिए। उसके बाद तीसरा है, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीजों से प्यार है। तो आप हमने पढ़ा कि कविता में चिड़िया को अन्न नदी और विजन से बहुत ही प्यार है ना। उसके बाद चौथा नंबर है, आशा स्पष्ट कीजिए। क नंबर है, रस लेकर गा लेती। पहले पद में हम लोग पढ़े कि जौ के जो रस होते हैं उसको लेकर आती है चिड़िया, और दूसरे पद में हमने पढ़ा रस लेकर गा लेती, मतलब छोटी सी चिड़िया जो है अपने कंठों से बूढ़े बाबा के लिए बहुत ही सुंदर स्वर से गीत गाती है। ख नंबर है, चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले आती। हमने तीसरे पद में पढ़ा कि अथाह सागर में जहाँ लहरें उठती रहती हैं, वहां पर एक छोटी सी नदी की चिड़िया अपने कंठ से पानी की बूंदे लेकर आती है। यही इस शब्द का आशय होगा।